देखिए, बालासोर ट्रेन हादसे को 35 घंटे हो चुके हैं। ओडिशा के अस्पतालों में अब भी कलेजा चीर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ है। हादसे वाली जगह रेल यातायात दुरुस्त करने के लिए पटरियों से मलबा हटाने का काम जारी है। युद्ध स्तर पर इस काम में जेसीबी मशीनें, पॉकलैंड और बड़े बड़े क्रेनें लगाई गई है। बालासोर ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। पटरियां दुरुस्त करने का काम कल तक पूरा होने की उम्मीद है। अब तक हावड़ा चेन्नई रूट की 90 ट्रेनें रद्द की गई है और 46 का रूट बदला गया है। ओडिशा में हादसे का शिकार कोरोमंडल एक्सप्रेस के यात्री आज विशेष ट्रेन से चेन्नई पहुंचेंगे। साथ ही चेन्नई स्टेशन पर भी उनको घर तक पहुंचाने के लिए बसों और एम्बुलेंसेस का इंतजाम किया गया है। देखिए, बालासोर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी बेहद सख्त है। उन्होंने कल ग्राउंड जीरो का दौरा भी करने के बाद ये कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज ओडिशा जाकर घायलों से मिलेंगे। तो देखिए, लगातार आपको अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना वाली जगह पर रात भर चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया। मलबा हटाने के काम में जुटे कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते रहे रेल मंत्री। तो देखिए, इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना वाली जगह पर रात भर चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया। और देखिए, लगातार एबीपी न्यूज बालासोर हादसे की हर खबर, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। बालासोर में पटरियों से मलबा हटाने का काम किस रफ्तार से चल रहा है, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट। बालासोर जिले में हुए भीषण ट्रेन हादसे में रेस्क्यू का ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो अप और डाउन लाइन है उसको जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद जो है यहां पर रेलवे डिपार्टमेंट करता हुआ दिख रहा है। मुख्य तौर पर अप और डाउन लाइन पर ये जो बोगीज यहाँ पर डिरेल हो गई थी उनको अब ट्रैक से हटाने का काम शुरू है। लगभग 1000 से ज्यादा यहाँ पर लेबर जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। 7 पोकलेन मशीन लगाई गई है, 2 ART यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा 1040 टन के केन जो है वो भी यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी तेजी से यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट जो है इस लाइन को सुचारू रूप से शुरू करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अप लाइन इसे कहा जाता है, जो कि हावड़ा की तरफ जाती है भुवनेश्वर से, और ये बाजू में जहाँ पर आपको ये बोगी दिख रही है ये डाउन लाइन है जो कि हावड़ा की तरफ जाती है भुवनेश्वर से। तो इस पर काफी ज्यादा मलबा जो है देखने को मिल रहा है। तो इसको जल्द से जल्द हटाने का एक तरफ काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो पटरियों को जो नुकसान पहुंचा है तो नई पटरियां बिछाने का भी, जमीन समतल कर ये भी काम जो है रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहां पर 140 टन वजन उठाने वाली ये पोकलेन मशीन यहां पर लगाई गई है, क्रेन लगाई गई है, और उसके जरिए इस जो यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन के बोगी को हटाने का काम जो है ट्रैक के उस साइड रखने का काम इस वक्त रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। लगभग 1000 वर्कर यहां पर लगे हुए हैं। इसके अलावा कई रेलवे डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिशियल्स 24 घंटे से पिछले काम कर रहे हैं और लगातार ये काम जो है उनके लिए यहां पर करना जरूरी रहेगा, क्योंकि एक मेन लाइन है। लगभग 60 ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित हुई है कि रेलवे डिपार्टमेंट को कैंसिल करना पड़ा है। तो मुख्य तौर पर रेलवे डिपार्टमेंट यहां पर काफ़ी मेहनत से यहां पर काम करता हुआ दिख रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 4-5 दिनों के भीतर पूरी तरीके से इस ट्रैक को जो है और जल्द से जल्द शुरू कर लिया जाए, इस कवायद में रेलवे डिपार्टमेंट दिख रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, उड़ीसा। और देखिए, तस्वीरें आप अभी देख रहे थे कि बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद पटरियां जो है वो बुरी तरह उखड़ गई है। पटरियों को फिर से बिछाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा, देखिए रौनक कुकड़े की रिपोर्ट।
एक तरफ अप और डाउन लाइन पर पड़ी बोगियों के मलबे को हटाने का काम रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है तो दूसरी तरफ नया ट्रैक बिछाने का काम भी युद्ध स्तर पर रेलवे डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। करीबन 45 मीटर का रेलवे ट्रैक जो है पहले पैच में यहां पर बिछाया जा रहा है और जल्द से जल्द ये लाइन कैसे सुचारू रूप से शुरू हो सके इस ओर रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, क्योंकि ये लाइन प्रभावित होने की वजह से करीबन 60 गाड़ियां जो है वो प्रभावित हुई, रद्द करनी पड़ी, इसलिए ज़्यादा यात्रियों को दिक्कतों का सामना आने वाले दिनों में ना करना पड़े इसलिए युद्ध स्तर पर यहां पर काम किया जा रहा है। करीबन 5 से 6 जेसीबी यहां पर लगाई गई है जिससे कि इस पूरे ट्रैक को पहले ज़मीन को समतल किया जाए और उसके बाद इस को ट्रैक को बिछाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये दूसरी ट्रेन जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिफिकेशन के जो वायर्स और पोल होते हैं उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर ये बुलाई गई है। कई इंजीनियर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है, करीबन 1000 लेबर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मानना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के भीतर अप और डाउन लाइन दोनों सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाए, इस तरह की तैयारियां जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। हादसा बहुत भीषण था, कई लोगों की इसमें जान चली गई, लेकिन उसके बाद भी रेलवे डिपार्टमेंट जो है जल्द से जल्द इस ट्रैक को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए कोई भी कोर कसर यहां पर छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज उड़ीसा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।